दोस्तों जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि भारत ने 20 साल बाद धर्मशाला में न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत हासिल की है। पर दोस्तों आपको एक बात बता दें कि कप्तान रोहित शर्मा का अब अपने विनिंग कॉम्बिनेशन से भरोसा उठ गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, रोहित शर्मा अपनी टीम में इंग्लैंड के खिलाफ बहुत बड़ा बदलाव करने वाले हैं और आपको इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम काफी बदली बदली नजर आने वाली है। और दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है कि जो खिलाड़ी बांग्लादेश के वक्त घायल हुआ था यानी कि हार्दिक पांड्या, वो इंग्लैंड के खिलाफ भी नहीं खेलने वाले। जी हाँ दोस्तों, हार्दिक पांड्या इस समय पूरी तरह से फिट नहीं है, तो वो इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले के लिए तैयार नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों अब रोहित शर्मा किन खिलाड़ियों को अपनी टीम में मौका देने वाले हैं, और आपको ये भी बता दें कि भारतीय टीम में से एक बड़ा खिलाड़ी भी बाहर निकलने वाला है। तो दोस्तों ये खबर काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस खबर की जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि भारत का अगला मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ 29 अक्टूबर को लखनऊ में खेला जाएगा, और इस समय इंग्लैंड इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है और इंग्लैंड का इस समय सेमीफाइनल में पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन लग रहा है। तो दोस्तों आप ऐसा समझ लीजिए कि भारत का अगला मुकाबला एक घायल शेर के साथ होने वाला है, जो कि अभी वर्ल्ड कप 2023 में कुछ खास नहीं कर पाई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या, जो कि बांग्लादेश के खिलाफ चोटिल हो गए थे, वो अभी भी फिट नहीं हुए हैं, और हार्दिक पांड्या को अभी तक NCA की मेडिकल टीम से क्लीन चिट नहीं मिली है। यानी दोस्तों धर्मशाला की तरह हार्दिक पांड्या लखनऊ में भी इंग्लैंड के खिलाफ नहीं खेल पाएंगे। और दोस्तों इसी के साथ आपको एक और बात बताते हैं कि लखनऊ में जहां भारत बनाम इंग्लैंड का मैच होने वाला है, उस मैदान की पिच लाल है, यानी कि उस मैच में स्पिनर्स को काफी फायदा मिलने वाला है। तो इस बात से साफ है कि रोहित शर्मा अपनी टीम में आर अश्विन को जगह दे सकते हैं। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि मोहम्मद शमी, जिसने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 विकेट्स लिए थे, उनको रोहित शर्मा अपनी टीम से बाहर नहीं करने वाले, वो इंग्लैंड के खिलाफ भी भारत की तरफ से खेलने वाले हैं। तो अगर रोहित शर्मा आर अश्विन को अपनी टीम में शामिल करते हैं, तो अपनी टीम से कौन से खिलाड़ी को बाहर करने वाले हैं? तो दोस्तों आपको बता दें कि रोहित शर्मा अपनी टीम से इंग्लैंड के खिलाफ मोहम्मद शिराज को बाहर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कि भारत की इंग्लैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। रोहित शर्मा के साथ आपको शुभमन गिल, KL राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी और आर अश्विन दिखने वाले हैं। आप लोग तो जानते हैं कि वर्ल्ड कप 2023 में मोहम्मद शिराज का प्रदर्शन इतना खास नहीं रहा है, और इस वर्ल्ड कप 2023 में मोहम्मद शिराज ने 5 टूर्नामेंट में से सिर्फ 6 विकेट ही चटकाई हैं। और वहीं दोस्तों अगर हम शमी की बात करें, तो शमी ने अपने वर्ल्ड कप के पहले मैच में ही न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 विकेट चटकाई हैं। तो दोस्तों आपको ये भारत की प्लेइंग 11 कैसी लगी? अगर आपको ये प्लेइंग 11 पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और क्रिकेट का नाम लेते रहिए।